हेलो गाइस, मैं विभा आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको किशमिश से चटनी बना करके दिखाएंगे, बिल्कुल अमेजिंग है। देखिए कैसे बनाते हैं। कढ़ाई ली है और उसमें हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं। और मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है और 50 ग्राम मिश्री ली है, जो कंकड़े वाली होती है। इस मिश्री को हमने पीस लिया है और किशमिश को रात भर भिगोया। 3 से 4 घंटे भी इसको भिगो सकते हैं, ये बहुत अच्छी से भीग जाएगी और इसको हम पीस लेंगे। और ये हमने अखरोट लिया है, 50 ग्राम है। आप स्किप भी कर सकते हैं, डाल देंगे तो हेल्दी रहेगा, टेस्टी भी रहेगी आपकी चटनी। और इसका हलवा भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। ये देखिए हमने पीस लिया है सब चीज़ों डालकर। इसमें हमने 2 पीस चुकंदर भी डालकर पीसा है। तो चुकंदर हम नहीं दिखा पाए हैं आपको, तो लेकिन हमने पीसा है इसमें। और ये सफ़ेद वाला तिल है, इसको मैंने तड़के के लिए यूज़ किया है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसमें। जो हमने प्यूरी बना के रखी है उसको हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे और बहुत इसको तेज गैस पर हम नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम आप रखिएगा। इसे हल्का हल्का धीरे धीरे इसे ये फ्राई हो जाए। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। इसमें हमने खट्टे के लिए नींबू और जीरा धनिया सौंफ का पाउडर डाला है। अगर आप स्किप कर देंगे तो ये हलवा का काम करेगा बिल्कुल। तो ये मैंने पिसी हुई मिश्री ली है कंकड़े वाली। अगर बच्चों के लिए हेल्दी हिसाब से आप बना रही हैं तो आप मिश्री का ही प्रयोग कर लें और आप इसमें नींबू वगैरह स्किप कर दें तो ये हलवा बच्चों के लिए बनकर के रेडी हो गया है। ये खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है चटनी का जब हम इसमें जीरा धनिया सौंफ का पाउडर डाल देते हैं और नींबू डाल देते हैं, वरना तो ये आप समझ लीजिए ये हेल्दी हलवा ही बन करके रेडी हुआ है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि इस समय तो हम इसकी चटनी ही बना रहे हैं। और मैंने कलर के लिए चुकंदर का यूज़ किया है। आप विदाउट कलर भी इसको बना सकती हैं और चाहे तो आप फूड कलर भी डाल सकती हैं। तो इसको हमने बहुत ही सरलता से बनाया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। आप देख सकती हैं इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं वो हेल्पफुल हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए यदि बना रही हैं, अपनी फैमिली के लिए बना रही हैं, तो प्लीज़ आप इसी तरीके से बनाइए। यदि आपको ये चटनी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है, आपके बच्चों को अच्छी लगी, आपकी फैमिली को अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये चटनी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।